नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डीएलके प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने 15वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड वार्षिक इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड्स 2019 का आयोजन द अशोक होटल नई दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में किया, जिसमें आतिथ्य और यात्रा उद्योग के मशहूर उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह नेपाल के पर्यटक एवं GTC इवेंट्स के सहयोग से संपन्न हुआ। 15वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया और एक्सप्लोर द वर्ल्ड वार्षिक इंटरनेशनल ट्रेवल्स अवार्ड 2019 पर्यटन उद्योग एवं हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के चमकते सितारों को सम्मानित कर दिया गया। पुरस्कारों ने न केवल आतिथ्य के क्षेत्र को स्वीकार किया, बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस इत्यादि जैसे क्षेत्रों को भी स्वीकार किया है। हॉस्पिटैलिटी इंडिया हर वर्ष मेहनती उम्मीदवारों को चुनता है और उन्हें सम्मानित कर यह यकीन दिलाता है कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। समारोह में ईवा इंडिया ऑफिशियल डिजाइनर रोजी अहलुवालिया के अनुभवी मॉडल द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य एवं फैशन शो भी किया गया। हॉस्पिटैलिटी इंडिया एवं एक्सप्लोर द वर्ल्ड के प्रबंधक निर्देशक श्री सुनीत कालरा ने कहा कि मैं अपने वार्षिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की निरंतर सफलता के साथ हूं, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र की उपलब्धियों और विकास को पहचान दिलाना है। वहीं श्रीमती रजनी कालरा ने भी सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद कहा। ये हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स में आई डोंट थिंक सो ये सॉल्व करने का कुछ है हमारे पास। मैं कुछ इस पर मैं नहीं कमेंट कर सकती, बट ऑफ कोर्स अगर हम सब मिले हैं वी कैन टेक अ सॉल्व। अभी बताया गया है कि जो टूरिज्म के क्षेत्र में इतना पैसा है कि उससे हम देश को आसानी से चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, एंड आई थिंक इसका राइट मोटिव होना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आई थिंक हर कंट्री के पास पैसा है, पर हमें ये नहीं पता कि कैसे किस तरह से इनको आगे लाया जाए। सुनीत कालरा हर साल हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल अवार्ड देते हैं, और मैं समझता हूँ टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। जी, मैं बरसों से सुनीत कालरा को जानता हूँ, और अब ना केवल अपने देश के अंदर बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं अवार्ड्स के लिए, और सभी राज्यों में जो भी लोग ट्रैवल से, टूरिज़्म से, हेरिटेज से या इससे संबंधित इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो उनको सम्मानित करते हैं। मोदी जी ने कहा है फेस्टिवल टूरिज्म भी शुरू करना चाहिए, तो अभी GDP के अंदर 6% का जो योगदान है वो टूरिज़्म का है। भारत सरकार ने 2200 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों के अंदर दिए हैं। खुद भारत सरकार 2000 करोड़ तक इस पर खर्च करता है, और मैं समझता हूँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बार मैं फिर सुनीत कालरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं विजय गोयल जी का बहुत आभारी हूँ कि ये आके इतना इनकी भला वो फील्ड हो या ना हो, लेकिन ये टूरिज़्म से इतना प्यार करते हैं, टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, और मैं सिर्फ इनको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसी तरह इनकी ये आते रहें और हमारे को अपना आशीर्वाद देते रहें। होस्ट करते हैं हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स का ये 15वां इवेंट है, और दूसरी बार हम कर रहे हैं नेपाल टूरिज्म के साथ। विजिट नेपाल आज का मेन था, और मैं चाहती हूँ आप सब नेपाल से पूछें टूरिज्म के बारे में क्या कहना है। मैम, इतने ज़्यादा मोदी सरकार टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। सफाई बढ़ चुकी है, टैक्सेस टूरिज्म पे घट चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड, एंड मेरे को ये लगता है अब कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो पूरा हिंदुस्तान आपकी मुट्ठी में, और रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास गूगल। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक साथ इतने सारे बिजनेसमैन, इतने सारे यंगस्टर्स को भी इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो डिजर्विंग है, वो इस काबिल है कि उनको यहाँ होना चाहिए। वो पूरी तरह से इतनी मेहनत में लगे हुए कि वो स्थान उनको प्राप्त हो, तो मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको अवार्ड से सम्मानित करती हूँ।